हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. हम भी बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल नहा के श्रृंगार कर चुके हैं और अब हम करते हैं पूजा. पूजा भी हो चुकी है, अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी. सो देखिए गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए नव्या ने कहा कि मैं चीला बनाती हूँ. और ये देखिए, इसकी हालत देखिए गाइस, बहुत ही बेहतर चीला बनने वाला था पर मैंने आके नव्या को डिस्टर्ब कर दिया है. नव्या कह रही हूँ बेटा आप बनाओ, ठीक है, और हमको खिलाओ. नव्या का पहला चीला बहुत ही बुरे तरीके से, इसे चोटें लग चुकी हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है ये. बट बेटा हार नहीं माननी, फिर से बनाओ. तो ये है नव्या का फाइनल चीला, अच्छे बनाए, कोशिश तो अच्छी थी, टेस्टी भी है. आज हम कोटला आए हुए हैं, ये विजय भाई का डॉगी छोटा सा, इसलिए रहा है गुड्डा हो. ये उनकी दुकान है परचूने की, ये हमारे विजय भाई है, विजय निकल के प्रोग्राम देखा होगा मेडिकल में. तो गाइज़ टाइम हो रहा है 5 और हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए. कल से नव्या का स्कूल है और इसकी यूनिफॉर्म हमें मिल ही नहीं रही है, तो इसकी न्यू यूनिफॉर्म हमें लेनी होगी. तो चलते हैं शॉपिंग करने. तो गाइज़ शॉपिंग तो हम कर चुके हैं, ब्लॉग नहीं हो पाया, मार्केट में बहुत रश है. देखिए तीनों ऑलमोस्ट फुल हैं. गाइज टाइम हो गया है 7, ऑलमोस्ट 2 घंटे ही लग गए हमें मार्केट में, बहुत ज़्यादा रश था तो व्लॉग तो कर ही नहीं पाए. और बारिश की वजह से जो कीचड़ हो गया वो तो बस पूछिए मत. ड्रेस हम नव्या की ले चुके हैं और बैग भी हम वहाँ से ही ले आए थे. बाकी अभी हमें जाना है बुक्स लेने के लिए, बुक्स लेके फिर थोड़ी शांति मिलेगी, मैं टेंशन फ्री. और बाकी मैंने आके अभी पूजा कर ली है और आज राशन डे था गाइस, मींस मैं थोड़ा सा राशन लेके आई थी वहाँ से मार्केट से, बाकी जो बचा है हम रिलायंस फ्रेश से ले लेंगे. कुछ राशन हो चुका है, कुछ बाकी है एंड पूजा हो चुकी है हमारी, इवनिंग पूजा. एंड गाइज ऑटो रिक्शा वालों का मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मीटर से किसी को जाना नहीं होता है, वो अपनी मनमर्जी से ही जहाँ उन्हें जाना होगा वो वहाँ जाएंगे और जो वो बोलेंगे वही वो चार्ज करेंगे. तो फिर ये मीटर क्यों दिए हुए हैं, मुझे तो कुछ इनका
रूल एंड रेगुलेशन ही समझ नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इतना ज़्यादा भारी सामान और बच्चे दोनों और मैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज किया हमने ऑटो वाले के पास तक जाने के लिए, उसके बाद ऑटो करने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अभी आ गए हैं हम नव्या के लिए बुक्स लेने के लिए, अमर कॉलोनी बुक्स लेते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली बच्चे कुछ बाहर जाके स्कूल जाके कुछ पढ़ेंगे, घर में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, आपको पता ही ऑनलाइन क्या पढ़ाई है, कोई भी पढ़ाई नहीं है। तो फिंगर क्रॉस बाकी सब अच्छा चलता रहे, तो अच्छे से स्कूल खुल जाएं प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम नव्या की बुक्स लेके घर आ चुके हैं एंड थैंक यू सो मच गाइज, हमारे चैनल पर 101 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच गाइस। आज बनाए पुलाव नव्या ने, दही और अचार के साथ खाएंगे हम। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 10, डिनर के बाद बस अब दूध बॉईल हो रहा है, अभी दूध पीकर हम सब सो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि मैं नहीं चाहती है नव्या का स्कूल मिस हो कल भी, कल उसका फर्स्ट डे होगा आफ्टर 2 ईयर्स, इतना ज़्यादा लंबे टाइम के बाद मुझे भी उसे भेजने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा। तो गाइस कल हम स्कूल जाएंगे, हम अपने स्कूल की तैयारी कर रहे थे, टाइम टेबल लगा रहे थे, अब हम कल स्कूल जाएंगे। ये इसका न्यू बैग है, शो ऑफ करना है। ये शो ऑफ करने आई है। मैं अपना टाइम टेबल लगा रही थी और व्लॉग पता चला मेरे को कि व्लॉग बन रहा है तो मैं आ गई। ओके थैंक यू नव्या सो मच, आप आए व्लॉग बन रहा था तो। सो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग को एंड, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट। हाय गाइज, चलो आप व्लॉग को एंड करो। Yep. करो अगली वीडियो में।